स्टेडियम में आए हुए तमाम अतिथियों का, खिलाड़ियों का और दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। समारोह के मुख्य अतिथि दत्या नरेश पधार रहे हैं। दत्या महाराज जी, दत्या महाराज जी, दत्या महाराज जी। इस बार ओरछा प्रांत का ध्वज देखकर हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये एक हर्ष का विषय है कि आज पहली बार ओरछा की महारानी लड़ई सरकार बुंदेलखंड के इस वार्षिक महोत्सव पर न केवल पधारी हैं, बल्कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निमंत्रण भी स्वीकार कर चुकी हैं। और अब हमारे सामने झांसी की अदम्य साहसी महारानी लक्ष्मीबाई पधार चुकी है। और जिन्होंने लगातार 9 बार ध्वज प्रतियोगिता में विजय हासिल की है, पधारी है महारानी साहिबा पधारी। आज फिर आपके आगमन से दत्या की ये प्रजा प्रफुल्लित हो बैठी। ध्वज खेल आरंभ किया जाए। प्रतियोगिता आरंभ होने से पहले खेल के बारे में बताना आवश्यक है। प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के हाथों में ध्वज है और उन्हें उस लक्ष्य पर अपने ध्वज को लगाना है, और जो प्रतिनिधि सबसे पहले लक्ष्य पर पहुंचकर अपने ध्वज को वहां फहराएगा वो इस खेल का विजेता घोषित किया जाएगा, और शेष राज्य के विजेता राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य में स्वीकार करना होगा। और अब ये प्रतियोगिता आरंभ होती है। साहेब कृपया हट छोड़ दीजिए, ये खेल है, इसे खेल भावना से ही खेलिए। हम सबके शत्रु ये फिरंगी हैं, हमें एक साथ मिलकर इन्हें उनसे मुकाबले के लिए हम सक्षम हैं। विश्वासघाती निवलकर वंश से हाथ मिलाने से पहले हम अपने हाथ न काट दें। अरे दोनों कहाँ चली गई? हे देवा, ये आपके बोल नहीं, इन फिरंगियों के बोल हैं। वो तो यही चाहते हैं कि हम आपस में लड़ मर जाएं। तुम समझ गया क्या कहना है? जाओ। सेनापति जी, सेनापति जी, बुरा समाचार है। क्या हुआ? हमारी महारानी साहिब को गहरी चोट लगी है और ओरछा की महारानी ने उन्हें अपहरण करके बंदी बना लिया है। क्या? महारानी सरकार, क्या ये संभव नहीं कि हम अपने आपसी मतभेद भूलकर एकजुट होकर इन फिरंगियों का मुकाबला करें? सोचिए महारानी सरकार। लक्ष्मी बाई गौस खान तो क्या, झांसी से उड़कर आया पक्षी भी हम कभी नहीं लौटाएंगे। यह अहंकार है महारानी सरकार। जिसे तुम अहंकार कहती हो वो हमारा आत्मविश्वास है। इस प्रतियोगिता में भाग लेना सिर्फ एक बहाना था। वास्तव में हम तुमसे ये कहने आए थे कि हम हमारी झांसी तुमसे वापस छीन लेंगे। लक्ष्मीबाई, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। अंतिम समय।